दोस्तों आप सभी को पता है कि अमेरिका से अपडेट आनी है और अमेरिका से अपडेट आने के बाद डो जोन्स में गिरावट आएगी, उसके बाद देखिएगा आपको निफ्टी में कल का मोमेंटम और परसों का मोमेंटम डिसाइड होगा। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते मेरा रात का देखिएगा इन्फॉर्मेशन तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अपडेटेड रहेंगे और मैं आपको 15 मिनट में ही बता दूंगा कि निफ्टी बैंक में क्या होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिएगा और मैं आपको एक एक करके कहता हूँ कि कॉशियस रहिए क्योंकि मार्केट ऊपर आया ज़रूर है लेकिन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर एनालिसिस आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, क्योंकि डिफरेंट लगता है तभी देखिएगा मज़ा भी आता है, वरना हर कोई जो बात बता रहा है चार्ट खोलकर वही चीज़ अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे तो कुछ मज़ा नहीं आने वाला। देखिएगा मंडे को बहुत सारे चार्ट मैंने देखे, बहुत सारे एनालिसिस देखे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये देखिए वो देखिए, कई सारे चैनल्स के नाम भी लेते हैं वो लोग, बट द थिंग इज मैंने आपसे कहा था मंडे को आराम से देखिएगा गिरावट आएगी, आराम से आप देखिएगा प्रॉफिट लीजिए आराम से। और मैंने आपको इंस्टाग्राम पे लाइव आके भी बताया था कि मैं क्या करूंगा 15 मिनट में मैंने देखिएगा 500 पॉइंट ग्रैब किए थे निफ्टी बैंक में, तो 39,500 से मार्केट 39,000 पे गया था आपको पता होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको बहुत ही देखिएगा एक जो कॉमन एनालिसिस चल रहा है उससे थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, तब आप स्कैल्पिंग कर पाओगे, तब आप देखिएगा इवेंट ट्रेड कर पाओगे और उस इवेंट में आपकी श्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पूरा माल नहीं खाना है, पूरा प्रॉफिट नहीं खाना है, आपको अपने हिस्से का लेके निकल जाना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि मार्केट ऊपर आ चुका है, बाय करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि दो इवेंट हैं, एक तो रशिया और चाइना साथ मिले हुए बैठे हुए हैं वहाँ पे, दूसरा फेड, और आपको पता है फेड अगर कुछ नया भी करे तो वो अच्छा तो नहीं बोलने वाला, ये तो कन्फर्म बात है, और इसका एक्सपेक्टेशन आपको शायद होगा भी नहीं क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। तो ये देखिएगा अमेरिका का बॉन्ड मार्केट है, US 2-year बॉन्ड यील्ड, और ये 6% अप हो चुका है। तो कल देखिएगा बी कॉशियस, हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, प्रॉफिट लेंगे और उसके बाद एग्जिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अमेरिका का बॉन्ड मार्केट अगर 6% अप है और देखिएगा दो दिनों में ये कम से कम कुछ नहीं तो 10% अप है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है, कोई बात मार्केट को अच्छी भी लग सकती है तो कोई खराब भी लग सकती है। और इस समय जब मार्केट ऊपर की तरफ आ गया है तो खराब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि केवल अमेरिका ही वजह नहीं है मार्केट के गिरने का ना गिरने का, इसके अलावा डोमेस्टिक भी कई सारी वजह रहती हैं। तो देखिएगा बॉन्ड मार्केट बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, और बॉन्ड मार्केट अगर अमेरिका के इतनी तेज़ी से भाग रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्कशन तो हो रहा है। आज का दिन आपको पता है कि फेड की मीटिंग शुरू हो चुकी है और अभी बहुत सारा डिस्कशन का आउटकम कहीं एक्सपेक्टेड हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, और उससे पहले अब तक की जितनी भी मीटिंग हुई है फेड की इससे पहले उनके पहले बाजार गिरा है, यानी कि फेड के आउटकम से पहले बाजार गिरा है नर्वसनेस के कारण, केवल नर्वस हो जाता है कि लाइक कहीं कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे। इसके बाद मैं 10-year बॉन्ड यील्ड पे आता हूं तो वो भी 3% अप है, फिर 30-year बॉन्ड यील्ड भी 2% के आसपास अप है, तो ये पहला सिग्नल है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सेकंड देखिएगा आपको कि आपको लग रहा होगा कि केवल मैं फेड को देख रहा हूं, मैं केवल फेड को नहीं देख रहा हूं, मैं केवल अमेरिका को नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं वेस्टर्न मार्केट जो कि अमेरिका के बेसिस पे ही चलता है, यानी कि उनकी जो स्ट्रैटेजी रहती है वही अमेरिकन की देखिएगा और वही वेस्टर्न कंट्रीज की रहती है। तो आप देखेंगे क्या जर्मनी में देखिएगा 8% का ट्रेंड है। अब आप समझ लीजिए कि अगर बॉन्ड मार्केट इस तरीके से तेज हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखिएगा अंदर चल रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा। तो 8% बॉन्ड मार्केट अप है जर्मनी का, फ्रांस का भी फिर देखिएगा 5% अप है, यूके का भी देखिएगा 3.5% अप है, स्पेन का 4%, इटली का 3%। तो अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न बॉन्ड मार्केट भी बहुत तेज है और आपका देखिएगा इंडियन बॉन्ड मार्केट भी तेज है और अमेरिकन बॉन्ड मार्केट भी तेज है। इसके बाद इलन मस्क ने देखिएगा क्या कह दिया है, अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन को कैसे बढ़ा दिया है इलन मस्क ने। इलन मस्क ये कह रहे हैं कि कम से कम 50 बेसिस का रेट कट होना चाहिए, 21-20 जो 22 मार्च का आउटकम है उसमें 50 बेसिस का रेट कट होना चाहिए, और हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या करे हुए हैं कि वो जो 0.25 बेसिस है जो फेड बढ़ाने की आशंका कर सकता है, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि 82 इकोनॉमिस्ट में से 76 क्या कह रहे हैं, तो ऐसे में कि हम ये सोच रहे हैं कि ये ना करें और वो एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं 50 बेसिस कट करना चाहिए, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा करके बैठा है फेड से। अगर फेड उस पर खरा नहीं उतरा
तो मार्केट तुरंत प्रॉफिट बुकिंग दे देगा। क्या करेगा? तुरंत प्रॉफिट बुकिंग दे देगा, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशन ज्यादा, होप ज्यादा कर रहा है फेड से। अब लेट्स सी क्या होगा, लेकिन इस तरीके का एक्सपेक्टेशन तो आपको पता नहीं होने वाला कि रेट कट हो, इवन रेट हाइक ना हो, तो ये बहुत प्लस पॉइंट होगा। बट उस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेशन को हाइक कर दिया है एलन मस्क ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा मार्केट में आज तेजी क्यों आई। क्या आपको लगता है केवल बैंक निफ्टी तेज चला गया, क्या केवल क्या डाउ फ्यूचर तेज चले? नहीं, मैंने आपको कल वीडियो बनाया था, सरकार दे सकती है एक खुशखबरी। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि 15-16 मार्च को क्या होना था, रिवीजन होता है विंडफॉल टैक्सेस का, लेकिन वो नहीं हुआ है। और वो क्यों नहीं हो रहा मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे ही देखेगा सरकार विंडफॉल टैक्स को रिवाइज करेगी तो वो कम करेगी, और कम करेगी तो रिलायंस भागेगा। तो हम लोगों ने बेनिफिट कैसे उठाया, पहले तो देखिएगा कम हुआ तो आपको सबसे पहले बेनिफिट क्या होता है ना, लाइव मार्केट में चाहिए होता है। तो आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री की, और यही आज हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्राइस एक्शन था। तो यहाँ पे कितना पैसा बना बताने की जरूरत नहीं है, कि आपको कैसे सपोर्ट किया जाता है। तो जैसे ही विंडफॉल टैक्स कम हुआ रिलायंस ने रिबाउंड कर दिया है, लेकिन ये खबर थी, खबर के बेसिस पे चला था, बहुत सारे लोग इसमें स्टक हैं। तो कल इतना ज़्यादा देखिएगा मोमेंटम रिलायंस नहीं देगा, और आपको पता है ऊपर के लेवल पे बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो निफ्टी में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का जो आज उठने का मेन रीज़न था वो रिलायंस इंडस्ट्री था। रिलायंस इंडस्ट्री का 3% मजबूत होना एक तरीके से वन वे देखिएगा मार्केट को ले जाना, रिलायंस का ही एक वे था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिवाइज नहीं हुए हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ देखेगा रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आपको समझ लेना है कि तुरंत निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो रिलायंस कल मेजर सपोर्टर नहीं रहेगा जैसे कि आ रहा था। फिर आगे अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी ऐसे रेजिस्टेंस पे है जहां पे वो 3 बार लौट चुका है, देखिएगा पहली, दूसरी, और देखिएगा यहाँ तो तोड़ा ही था, और ये तीसरी बार भी देखिएगा वहाँ पे आके खड़ा हो गया है। तो कल के लिए 17175 मेरे लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 17240, तो ये रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट आता है तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। फोकस करिएगा नीचे की तरफ, सपोर्ट लेके चलेंगे 17,000 का ही, ये जैसे ही टूटेगा तो देखिएगा 16920, ये दोनों आपको सपोर्ट लेके चलने हैं कल। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो आपको पता है निफ्टी बैंक तो बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि निफ्टी बैंक मूवमेंटम काफ़ी अच्छा देता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला तो देखिएगा 40,200 मेरा एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 40,640 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये टूटेगा तो तुरंत आपको देखने को मिलेगा 40,500 का लेवल। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे कल के लिए निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में ही देखिएगा ऊपर की तरफ अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो निफ्टी बैंक में बहुत तेजी से आपको स्कैल्पिंग मिलेगी। फोकस करिएगा, अगर फोकस नहीं कर पा रहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।